बाप्पा विराजने वाले हैं। ऐसे में गणपति स्थापना को लेकर लोगों के मन में कुछ सवाल होते हैं, जैसे कि गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाते हैं, मोदक का भोग क्यों लगता है। भगवान गणेश से जुड़े ऐसे हर सवाल के जवाब के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक पहलू जानने के लिए हमने बात की फेमस एस्ट्रोलॉजर पंडित मनीष शर्मा, आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर राम अरोरा और जयपुर के योग गुरु उमेश शर्मा से। चलिए जानते हैं आपके हर सवाल का जवाब धर्म और विज्ञान के एंगल से। पहला सवाल, गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाते हैं। मान्यता है कि अनलासुर ने इंद्र को युद्ध में हरा दिया, तो गणेश जी ने सभी देवताओं को बचाने के लिए इस राक्षस को निगल लिया, जिससे उनके पेट में जलन होने लगी। तब ऋषि कश्यप ने उन्हें दूर्वा की गांठें खाने को दी, जिससे भगवान के पेट की जलन खत्म हो गई। तब से गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हैं। वहीं साइंटिफिक रीजन ये है कि अगर हम भी इसे दवा के रूप में खाएं तो पित्त से जुड़ी बीमारियां दूर रहेंगी। दूर्वा का रस गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन, कब्ज जैसी दिक्कतों को दूर करता है। गणपति जी को मोदक क्यों पसंद है? इसकी दो धार्मिक मान्यताएं हैं। पहली, देवी पार्वती बाल गणेश को मोदक खास तौर पर खिलाती थी। दूसरी मान्यता ये है कि एक बार माता अनुसुईया ने गणेश जी को खाने पर बुलाया, बहुत खाने के बाद भी उनका पेट नहीं भरा था। अंत में उन्होंने मोदक बनाए और मोदक खाते ही गणेश जी तृप्त हो गए। इस वजह से गणेश जी को मोदक का भोग लगाया जाता है। मोदक खाने से हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। जब बॉडी में मीठे के रूप में ग्लूकोज जाता है तो हमारी भूख शांत होती है। अब सवाल है कि गणपति जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते हैं। तुलसी जी भगवान गणेश को जीवन साथी बनाना चाहती थी, लेकिन गणेश जी ने कहा कि उन्हें विवाह नहीं करना है। ये बात सुनकर तुलसी जी नाराज हो गईं और गणेश जी को श्राप दिया कि उनके दो विवाह होंगे। उनके श्राप के जवाब में गणेश जी ने भी उन्हें श्राप दिया कि उनका विवाह एक असुर के साथ होगा। चूँकि तुलसी जी ने श्राप दिया था, इस वजह से भगवान गणेश ने तुलसी को अपने पूजा में उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। तभी से गणेश पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाते हैं। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हैं, लेकिन तुलसी नहीं चढ़ाते, क्योंकि इन दोनों के गुण एकदम अलग हैं। दूर्वा में पारा धातु होने की वजह से ये शरीर में गर्मी शांत करता है, जबकि तुलसी गर्मी पैदा करती है। सवाल है, पूजा में चावल का उपयोग क्यों होता है। गणेश जी की प्रतिमा चावल पर स्थापित की जाती है। चावल को अक्षत भी कहते हैं। अक्षत यानी जो कभी खत्म नहीं होता। पूजा में अक्षत चढ़ाने का अर्थ है कि हमारे समय के साथ हमारी भक्ति बढ़ती रहे। चावल में कई तरह के विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो हमारे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। आम, अशोक के पत्ते और फूलों से सजावट क्यों करते हैं। गणेश जी के स्वागत के लिए घर के बाहर आम, अशोक के पत्तों की बंधनवार मुख्य द्वार पर ऊपर की ओर बांधा जाता है और घर को अलग अलग फूलों से सजाया जाता है। फूलों और पत्तियों से घर का वातावरण प्राकृतिक बनता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। फूलों और पत्तियों के रंग आंखों को सुकून देते हैं और इसकी महक और रंगों से हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे मन शांत होता है और खुशी मिलती है। तो ये थे भगवान गणेश से जुड़े सवालों के जवाब के धार्मिक और वैज्ञानिक पहलू। और भी ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर, क्योंकि सच करीब से दिखता है।